देवक गुर्जर हत्याकांड का वीडियो फुटेज आया सामने, जानिए किसने रची साजिश। चौकीदार राव दभाटा के देवा गुर्जर हत्याकांड में हत्या के बाद का वीडियो फुटेज आया सामने है। वीडियो में हमलावर हत्या कर दुकान से बाहर आते दिख रहे हैं। हमलावरों के हाथ में कुल्हाड़ी, सरे और लाठी है। कपड़ों और कुल्हाड़ी पर खून दिख रहा है। वीडियो में देवा गुर्जर की हत्या के बाद बदमाश भागते दिख रहे हैं। सोमवार शाम को देवा गुर्जर की हत्या की गई थी। हत्या के बाद का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि देवा के भाई रंगलाल और नंदलाल ने उसके सबसे खास दोस्त बाबूलाल गुर्जर पर रुपयों के लालच में हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार देवा गुर्जर हत्याकांड में 13 आरोपी शामिल थे। पुलिस ने कई हमलावरों की पहचान भी कर ली है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को देवा गुर्जर ने आरकेपुरम थाने में लिखित शिकायत दी थी और कुछ लोगों पर 10 लाख की वसूली के आरोप लगाए थे। पॉप पुलर डॉन देवा गुर्जर अपने पीछे 2 पत्नियां और 9 बच्चे छोड़ गया है। देवा दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता था और उनके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता रहता था। शरीर पर 18 से ज्यादा घाव, सूत्रों की माने तो देवा गुर्जर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए। उसके शरीर पर 18 से ज्यादा घाव मिले हैं। उसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई। आपको बता दें कि पॉपुलर डॉन देवा की 2 पत्नियां और 9 बच्चे हैं। देवा दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता था। देवा दोनों पत्नियों के साथ के वीडियो और रील्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता था। देवा गुर्जर के परिवार के लोगों का मानना है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देवा की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। जब सैलून में देवा अकेला था तो बदमाशों ने उस पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया और धारदार हथियार से कई वार किए। उसके शरीर पर 18 से ज्यादा घाव मिले हैं। उसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई। रंगलाल ने बताया कि कुछ दिन पहले देवा और बाबूलाल में रुपयों को लेकर लड़ाई हो गई थी। बाबूलाल उनके भाई को धमका रहा था और लगातार 10 लाख रुपयों की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को देवा गुर्जर ने आरकेपुरम थाने में लिखित शिकायत दी थी और कुछ लोगों पर 10 लाख की वसूली के आरोप लगाए थे। चिटौगार राव दभाटा के देवा गुर्जर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि देवा के सबसे खास दोस्त बाबूलाल गुर्जर ने ही उसकी मौत की साजिश रची थी। देवा के भाई रंगलाल और नंदलाल ने बताया कि दोनों में अचित दोस्ती थी। दोनों साथ में इंस्टा पर रील्स बनाया करते थे और फेसबुक लाइव भी किया करते थे। 5 महीने पहले ही देवा और बाबूलाल गुर्जर में दोस्ती हुई थी। फिलहाल बाबूलाल को लेकर किसी तरह का केस दर्ज नहीं कराया गया है। बड़ा खुलासा, 2 पत्नियों और 9 बच्चों वाले जॉन देवा को दोस्ती में मिला धोखा, खूनी साजिश। बेपर्दा 23 मार्च को उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। सोशल मीडिया पर वह स्टाइल